हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। बात करेंगे आज कृतिका नक्षत्र पे। नक्षत्र ज्योतिष के वो आधार स्तंभ हैं जिनके ऊपर राशि रूपी भवन खड़े होते हैं। नक्षत्र ग्रहों को शक्ति देने का कार्य करते हैं। नक्षत्र आपके फलादेश को सटीक बताने में आपका सहयोग करते हैं। नक्षत्र एक ज्योतिषी को दैवज्ञ बनाते हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है, नक्षत्र ज्योतिष का नेत्र है, इसलिए बात आज नक्षत्रों में कृतिका नक्षत्र की। कृतिका कृतिका नक्षत्र को देखेंगे तो 26-40 के बाद से लेके और पूरा 40 अंश तक कृतिका आपको दिखाई देगा आकाश पथ पे। कृतिका के साथ एक खास चीज है कि ये दो राशियों में चलेगा। मेष राशि का जो अंतिम आधार स्तंभ है वो कृतिका है और वृषभ राशि का तीन जो पिलर हैं वो कृतिका है। कृतिका सूर्य द्वारा शासित नक्षत्र है, सूर्य का पहला नक्षत्र है, इसलिए सर्वाधिक तेज आपको कृतिका में मिलेगा। मंगल मेष राशि में स्वामी होगी और वृषभ राशि में शुक्र हो जाएंगे। तुम राजा मतलब नक्षत्र स्वामी सूर्य और सेनापति मंगल और साथ में शुक्र देव, तीन की उपस्थिति इस नक्षत्र के ऊपर दिखाई देगी। इसका जो चिन्ह है वो कटार है, कटार तलवार, तलवार की धार, तलवार ही ना कहिए, तलवार की धार। कृतिका का मतलब होता है ज्वाला, ये अग्निशिखा है और इसके ऊपर जो देवत्व तो मिला हुआ है वो अग्नि देव को मिला हुआ है। अग्नि महाराज इसके देवता हैं। एक देवत्व तो इसके ऊपर कार्तिकेय महाराज को मिला है, कार्तिकेय को भी देवत्व तो से संबंधित किया गया है। यह नक्षत्र कठिन कार्यों को संपन्न करने के लिए जाना जाता है। कथा यह भी कहती है कि इसी दिन महाभारत का रण आरंभ होता है। खैर, इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए व्यक्तियों में अग्नि से बहुत खास रिश्ता आपको देखने को मिलेगा। हम इस पे योनि गण ये सारी जो मूलभूत चीजें हैं इसके वार्ता नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे ही कृतिका के बारे में ये सारी मूल चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। आज हम इस वीडियो पे नक्षत्रों को एक अलग तरीके से देखेंगे जो कि अपने आप में अद्भुत होगा। इस तरह के विश्लेषण आपको ना तो YouTube में मिलेंगे ना तो किताबों में मिलेंगे, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं और हमारा प्रयास यह है कि हम नक्षत्रों के आधार पर फलादेश तक जाएं, प्रोडक्शन तक जाएं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्रह राशि को पकड़ते हैं, नक्षत्र को भूल जाते हैं, लेकिन एक ही नक्षत्र में एक ही राशि में तीन तरह के स्वभाव आपको मिलेंगे। तो इसलिए अपने फल को सटीकता तक ले जाने के लिए हम आज नक्षत्रों को अलग तरीके से देखेंगे और आपको आनंद आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आराम से देखिएगा। तो यह नक्षत्र कठिन कार्यों को संपन्न करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके स्वामी अग्नि है तो अग्नि का काम ही क्या है, सब कुछ पवित्र कर देना, सब कुछ जला देना। ये जो पंच तत्व है उसमें पंच तत्वों में जो प्रथम तत्व है अग्नि। अग्नि क्या है, जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो अग्नि को हम प्रतीक मानते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं। हम विवाह करते हैं तो अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लेते हैं। तो अग्नि जो है वो आपको पवित्र करने का कार्य करती है। जब हम पंच तत्व में विलीन होते हैं तब अग्नि ही हमारे पांचों तत्वों में बांटती है, अंतिम हमारी स्थिति का निर्धारण करती है। तो कृतिका नक्षत्र तीर के नोक जैसा है, चाकू के नोक जैसा है, हल के फल जैसा है, ऊर्जा का समूह है। अग्नि वास्तव में जीवन के प्राण ऊर्जा है, ये नॉर्मल अग्नि नहीं है, प्राण ऊर्जा है। अब ये प्राण ऊर्जा है तो आपको प्राणों से लगाव होगा, मतलब मान्यताओं से लगाव होगा, धरोहरों से लगाव होगा, आपके जो पुरानी यादें हैं उनसे आपको लगाव होगा। इस नक्षत्र में चूंकि कार्तिकेय महाराज का प्रभाव है तो कार्तिकेय महाराज को जानना बहुत आवश्यक है। कार्तिकेय महाराज को आप जानते हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं और ये
सप्त ऋषियों की सात पत्नियों के द्वारा पालित पोषित हैं। तो इस नक्षत्र में कभी कभी माता पिता के सुख से वंचित अगर आप हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा, या माता पिता के सुख में कमी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे लोग सदैव दूसरों के कार्यों के लिए अपनी एनर्जी को लगाते हैं। सेनापति कार्तिकेय, उनका खुद का युद्ध नहीं था, लेकिन वो देवताओं के युद्ध को अपना युद्ध समझकर लड़ते हैं और पूरे जीवन पर्यंत लड़ते हैं। यहाँ तक कि माता पिता के स्थान का परित्याग करके, माने कैलाश को छोड़ के दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करना पड़ता है, वहाँ प्रस्थान करते हैं। इनका जो वाहन है मयूर है, मोर है, ठीक है ना, और मोर का बहुत करीबी रिश्ता है कृतिका नक्षत्र से। तो ये अग्निशिखा जैसे तेज हैं, इनका व्यक्तित्व तो सबसे अलग है, जहाँ होंगे ये पहचाने जाएंगे। थोड़े से क्योंकि आग का तेज है, सूर्य का प्रथम नक्षत्र है, तो मूडी होंगे, मन पसंद कार्य करना इनको अच्छा लगता है। विवाह इत्यादि भी ज़्यादातर ये लोग अपने मर्जी से करते हैं। मोर जो है सुंदरता का प्रतीक है, इसलिए सुंदर भी होते हैं। ये जो एक वृक्ष होता है गुलर, जिसको बोलते हैं ना कि गुलर में फूल नहीं दिखता लेकिन फल दिखता है, तो उसी तरह इनका जो है विकास की गति नहीं दिखती, अंत में इनका विकास दिखता है, गति नहीं दिखती, लक्ष्य दिखता है, तो ये फल दिखता है, तो फल जैसे इनके जीवन में दिखाई देगा। गुलर की सेवा अगर ये लोग करते हैं, ऐसे लोग कृतिका वाले, तो इनके नक्षत्र को बहुत बल मिलता है। माता पिता को छोड़ना पड़ता है। भगवान कृष्ण को भी मोर बहुत पसंद था, मोर का पंख अपने मस्तक पे लगाते थे, और उनको भी माता पिता को छोड़ना पड़ा था। ये भी दृष्टांत आपको यहाँ से मिलेगा। क्योंकि पृथ्वी तत्व है तो जमीन से जुड़े रहते हैं, कितने भी ऊंचाई पे चले जाए तो जमीन से आप जुड़े रहेंगे। ब्राह्मण वर्ण मिला है मतलब ज्ञान का कार्य करेंगे, विवेकशील रहेंगे, राजसिक गुण है, अतः मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगा। शास्त्रकारों की बात माने तो स्वभाव आपका थोड़ा सा चंचल होगा, थोड़ा हृष्ट पुष्ट बलवान होंगे आप, उच्चाभिलाषी हैं, छोटी छोटी चीजें आपको संतुष्ट नहीं कर सकती, बड़ी चीजें ही आपको पाना है, वाकपटु हैं, तर्क शक्ति आपकी प्रबल है, थोड़े क्रोधी हैं, निर्धन से धनी बनने की क्षमता है, आप धीरू भाई अंबानी हो सकते हैं, जल्दबाज है और व्यर्थ भ्रमण करने की भी ये इनके अंदर विशेषता देखी जाती है। भोजन भट्ट हैं, भोजन भट्ट जब गुरु की स्थिति होगी तब भोजन भट्ट बनेंगे, पर स्त्रीगामी, ये नक्षत्र के चरणों में जाके आपको मिलेगा। आप स्त्री जाति का हैं तो भोजन भट्ट आपके लिए शब्द उपयुक्त है, इसलिए थोड़ा हेल्दी हो जाएंगे। थोड़े स्वार्थी होंगे, थोड़े से घमंडी होंगे, क्योंकि सूर्य का तेज है तो आपको घमंड देगा। भोग विलास अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वृषभ का प्रभाव है, बैल का प्रभाव है, और बैल को सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सूर्य का तेज है, शुक्र की प्रथम राशि है, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। भोग विलास से अपयश भी मिल जाता है अगर आपके सूर्य ठीक ठाक कंडीशन में ना हो तो। प्रशंसा इनको इतनी अच्छी लगती है कि इनकी प्रशंसा करके आप इनके बहुमूल्य समय और बहुमूल्य वस्तु इनसे ले सकते हैं, तो प्रशंसा ऑक्सीजन से ज़्यादा आवश्यक होती है इनके लिए, आप ऐसा कह सकते हैं। दूसरों की लड़ाई को अपना मान लेना इनके जीवन का एक सकारात्मक पक्ष होता है। जैसे भगवान कृष्ण, पांडवों की लड़ाई उनकी लड़ाई थोड़ी ना थी, लेकिन उस लड़ाई के लिए भाई ने कहा हम नहीं लड़ेंगे, भाई भी साथ छोड़ दिए। इवन देन उनके जो पुत्र थे सांब, उन्होंने कहा कि नहीं, नारायणी सेना का हम प्रतिनिधित्व करेंगे, यहाँ तक स्थिति आ गई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम पांडवों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और 5 लोगों को इकट्ठा करके इतने बड़ी सेना को पराजित कर दिया। तो दूसरों की लड़ाई को अपना मान लेना इनके नेचर में होता है। अब आप देखें तो धन कमाने की अद्भुत योग्यता इस नक्षत्र में होती है। वफादार होते हैं, अपने पार्टनर को सदैव खुश रखने की कोशिश करते हैं,
सुताई का मकान होगा, नौकर चाकर होंगे, स्त्री सुख मिलेगा, स्त्री सुख मिलेगा। अभी नक्षत्रों पर हम चल के बात करेंगे। तेजस्वी हैं, विद्यावान हैं, अतिथि सत्कार करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। कृतिका, कृतिका वह है जो काट देता है। किसको काटेगा? संबंधों को नहीं, पूर्वजन के संचित जो पाप हैं, श्राप हैं, उनको काटेगा। पूर्वजन के जो अवशेष हैं उनको जला देगा। कृतिका माने होता है ज्वाला। हवन कुंड की अग्नि शिखा जैसी पवित्र है। अब आप कर्म व्यवसाय की बात करें तो कर्म सेनापति वाला काम करेंगे, क्योंकि आपकी उम्र छोटी है, लेकिन छोटी उम्र में बड़े बड़े कार्य करेंगे, बड़ी जिम्मेदारी लेंगे, हार नहीं मानेंगे। जो काम कठिन लगता है उसको आप करने के लिए जाने जाते हैं। कार्तिकेय महाराज क्या करते हैं? जो कठिनतम कार्य होता है उसको वो करते हैं। तो आप कठिन कार्य करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अग्नि संबंधी जितने कार्य हैं वो आप करेंगे। भवन निर्माण आप काम उसमें कर सकते हैं। सैनिक, एक अच्छे सैनिक हैं, एक अच्छा उत्साह है, जोश है आपके अंदर। पुलिस विभाग में आप बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। नक्षत्रों के चरणों को देखेंगे तो पंडित ब्राह्मण ज्योतिषी का कार्य आप करते हुए पाए जाएंगे। विद्युत के कार्य करते हुए पाए जाएंगे। दवा विक्रेता या दवा बनाने वाले आप होंगे। इनकम टैक्स में आप काम करते हुए पाए जाएंगे। और शुक्र का चूंकि प्रभाव है तो नक्षत्रों को आप लेके आगे बढ़ेंगे तो रति रोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ आप हो सकते हैं। कर विभाग में भी आप काम करते हुए पाए जाएंगे। देखिए ये मोटी मोटी चीजें जो आज जानना इस नक्षत्र के लिए आवश्यक है। तो आपके स्वभाव में क्या है? स्वभाव में अग्नि का तेज है, अग्नि शिखा है। एक आपके अंदर अवगुण है, काने को काना कह देना आपके लिए बहुत सरल है। और आप बोलेंगे हमने इसमें गलत क्या कहा, काने को काना ही तो कहा। तो ये जो वाणी है थोड़ी सी आपकी टफ हो सकती है, ये आपके अंदर एक माइनस पॉइंट होगा। यद्यपि आपके सेकंड हाउस के स्वामी बुध होते हैं, बुध अगर अच्छे रहे तो वो हर चीज को संभाल लेते हैं, वो भी आप टॉकिंग बहुत अच्छा देते हैं। कृतिका के प्रथम चरण में आप उत्पन्न हुए हैं तो थोड़े से आपके अंदर का जो धैर्य है वो कम रहेगा, लेकिन वहीं द्वितीय और तृतीय चतुर्थ चरण में जाएंगे तो धैर्य की मात्रा बढ़ती जाएगी। देखिए कृतिका के प्रथम चरण में कृतिका का तेज मिलेगा। अब इसके जो देवता है वो अग्नि है, उनका तेज मिलेगा। और क्या होगा यहाँ पे? मंगल का तेज मिलेगा। तो सूर्य मंगल अग्नि ये जला के भस्म कर देंगे। ये जलाने पे आएंगे तो भस्म कर देंगे, कोई इनके सामने बचेगा नहीं। फिर ये लड़ने पे आएंगे तो फिर कार्तिकेय महाराज हैं, कोई आगे पीछे इनके टिकेगा नहीं, अगर प्रथम चरण में उत्पन्न हुए हैं तो। यहीं पे आज कृतिका में ही चंद्रमा को उच्चता मिलती है दूसरे चरण में जाके। अब आप देखें ना तो लगभग 3 अंश के आसपास ही चंद्रमा उच्च के होते हैं, उसके पश्चात चंद्रमा फिर क्या शुक्र की तरह बहना शुरू कर देते हैं। तो चंद्रमा मन को शांति देना, मन को स्थिरता देने वाला ये नक्षत्र है। हम बात करें नक्षत्रों पे, तो इस पर आपको नक्षत्र से नक्षत्र तक बात करेंगे, जो कि आपको यूट्यूब जगत पे नहीं मिलेगा, किताबों में भी आपको नॉर्मल में नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता कि सारी किताबें मैंने पढ़ ली है, अभी तो हम लोग बहुत छोटे से ज्योतिष का जो सागर है उसके तट पे ही खड़े हैं, तो तट पे तो किताबें नहीं हैं, अंदर जाके हो सकता है किताबें मिले, वो मुझे मिली नहीं। तो कृतिका से नक्षत्रों की बात करें तो कृतिका आपका प्रथम नक्षत्र है, अतः धन के लिए आपको रोहिणी को देखना पड़ेगा। धन के लिए रोहिणी के शरण में जाना पड़ेगा, कुटुंब के विकास के लिए रोहिणी के शरण में जाना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप पराक्रम को देखें तो पराक्रम आपको मृगिश्रा मतलब मंगल भाइयों का सहयोग आपको लेना होगा, ठीक है ना, तब आप बड़े बड़े पराक्रम कर सकते हैं। वहीं पे चौथा नक्षत्र आपका आर्द्रा आएगा। आर्द्रा का मतलब होता है कि दुख, आर्द्रा मतलब राहु, आर्द्रा मतलब शिव के आंसू, आर्द्रा मतलब जीवन में तकलीफें। तो जो सुख का मूल है वो कभी कभी आपको नहीं मिलता, सब कुछ होने के बावजूद माँ का सुख या सुख की कमी रह जाती है। भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ? सुख की कमी रह गई, सब कुछ तो था लेकिन कुछ न कुछ उसमें घटता रहा, जिससे प्रेम की उससे विवाह नहीं कर पाए। माता पिता के साथ जब रहना चाहिए तो रह नहीं पाए, जिनसे वादा करके गए कि बस यूं मथुरा गया वृंदावन वापस आया, उन सबको छोड़ना पड़ा, तो सब कुछ परित्याग ही तो करना पड़ा। कार्तिकेय महाराज जी के साथ क्या हुआ? माता पिता को छोड़ना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ें आर्द्रा की वजह से आती है। आप पूछेंगे क्यों आती है?
क्योंकि चतुर्थ भाव में अगर सूर्य बैठ गए, ठीक है ना, चतुर्थ भाव में स्वग्रही सूर्य सिंह राशि में बैठ गए तो सुख तो सब मिलना चाहिए। लेकिन सूर्य यदि स्थिति सूर्य की चतुर्थ भाव में जो आपके बनेगी, तो वहां पे अगर आप मान लीजिए शनि के नक्षत्र में बैठ गए तो पोषण तो मिलेगा लेकिन कमी मिल जाएगी, ठीक है ना। वहीं पे आपके सॉरी चतुर्थ भाव में पुष्य नहीं मिलेंगे, चतुर्थ भाव में मघा मिलेंगे, मघा नक्षत्र में मिलेंगे केतु का नक्षत्र में, तो वहां पे संसाधन तो आपको अवेलेबल होंगे लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी क्योंकि केतु का नक्षत्र आ जाएगा। तो इसी तरह आपके जीवन में मैं आपको खास पॉइंट बता रहा हूं जो कि आपको अभी तक नहीं मिलेगा। कृतिका से जो पांचवा नक्षत्र है, ठीक है ना, कृतिका से जो पांचवा नक्षत्र है, कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा, फिर जाएंगे आप पुनर्वसु में, कहां पे आएंगे पुनर्वसु में। आप पुनर्वसु किसका नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है, अतः आपको अपने इष्ट की प्राप्ति करनी है, आपको इष्ट की कृपा चाहिए, तब आपको गुरु के शरण में जाना होगा। आपको अपने पंचमेश को जगाना है तब आपको अपने गुरु के शरण में जाना होगा। गुरु के शरण में जाके आप अपने पंचमेश से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर गुरु आपके कुंडली में किसी तरह से पीड़ित हुए तो पंचम भाव का अधिपत अच्छे होने के बावजूद आपको संतान से वो सुख नहीं मिलेगा जिसकी तलाश है आपको, वो सुख नहीं मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। वहीं पे देखें तो जो सप्तम नक्षत्र आएगा वो अश्लेषा आएगा, कृतिका से सातवां अश्लेषा आएगा। कृतिका क्या है, स्वतंत्र है, अग्निशिखा है। सातवां क्या है, कुंडलनी मार के बैठा हुआ है। कृतिका क्या है, आतिथ्य सत्कार के लिए जाता है। अश्लेषा क्या है, क्रोधी है, अपने आप में मस्त रहता है, नहीं चाहता कि कोई उसके पास आए। तो नक्षत्र के अनुसार आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो क्रोधी मिल जाएगा। वृषभ लग्न वालों को वैसे भी उनके जीवन साथी थोड़े से क्रोधी मिलते हैं क्योंकि वृश्चिक का प्रभाव लेके चलते हैं, सब कुछ होने के बावजूद डंक मारने की आदत रहती है। ये अगर आप वृषभ लग्न में हैं तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं पे नौवां नक्षत्र जो आप देखेंगे तो पूर्वा फाल्गुनी मिलेगा। पूर्वा फाल्गुनी का मतलब अब आपको यहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी संबंधित आप उपाय करें तब आपको आपका भाग्योदय मिलेगा। मतलब शुक्र से संबंधित उपाय, शुक्र से संबंधित उपाय आपको भाग्योदय देने वाले होंगे। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब आपका भाग्योदय ना हो रहा हो तो आप नवम अधिपत के पास जाने से पहले नक्षत्र अधिपत के पास जाएं, वहां से आपको लाभ होगा। वहीं पे आपके लग्न को पकड़ें तो वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में वृषभ लग्न से जो पांचवी लग्न है वो कन्या लग्न है। कन्या लग्न में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मिलेगा आपको, हस्त नक्षत्र मिलेगा, चित्रा नक्षत्र मिलेगा, मतलब सूर्य के नक्षत्र मिलेंगे, सूर्य का नक्षत्र मिलेगा और चंद्र का नक्षत्र मिलेगा, मंगल का नक्षत्र मिलेगा। मजे की बात जानते हैं, हरदम याद रखिएगा, जो आपका नक्षत्र चल रहा है, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, उससे पांचवां नक्षत्र भी उसी ग्रह का मिलेगा। ये बातें बिल्कुल आपके लिए नई होंगी क्योंकि आपने इस तरह से कभी देखा नहीं, आपने पढ़ा है लेकिन कभी देखा नहीं। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उससे पांचवा नक्षत्र जो है, पांचवे घर में जो नक्षत्र पहला मिलेगा, पंचम भाव का नक्षत्र मिलेगा, वो उसी ग्रह का नक्षत्र मिलेगा। अब आप वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं तो पांचवे घर में क्या है, आपको पहला जो नक्षत्र मिलेगा वो उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र मिलेगा। यहाँ पे कृतिका क्या है, सूर्य के हैं। वहीं पर अगर आप नवम में जाएंगे तो नवम भाव में उत्तराषाढ़ा आपको मिलेगा। कौन से मिलेगा, उत्तराषाढ़ा मिलेगा, मतलब सूर्य का नक्षत्र मिलेगा, सॉरी उत्तराषाढ़ा नवम भाव, हाँ ठीक है, उत्तराषाढ़ा मिलेंगे आपको, सूर्य देव के नक्षत्र मिलेंगे। थी कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है कि आपको संतान ओजस्वी चाहिए, तेजस्वी चाहिए, आपको अपने ईष्ट से कनेक्टिविटी चाहिए, ईष्ट से तारतम्य स्थापित करना चाहिए, आपको पूर्व जन्म का संचित पुण्य चाहिए, आपको भाग्य चाहिए, आपको धर्म का साथ चाहिए, तब आप अपने सूर्य को मजबूत करिए। अतः जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं सबसे ज्यादा आवश्यक है उसी नक्षत्र के अधिपति की पूजा करना। उस नक्षत्र की शक्ति अगर आपने प्राप्त कर लिया तो सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे क्योंकि त्रिकोण का संबंध बन गया। जो आपके राशि में नक्षत्र चल रहा है वही पंचम में नक्षत्र है और वही नवम में नक्षत्र है।
तो उसके अधिपति को मजबूत करना। अब अगर आप कृतिका में पैदा हुए हैं, सूर्य आपके मजबूत हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको हिला नहीं सकती, जो चाहेंगे वो आप कर ले जाएंगे। अगर यहीं पे सूर्यदेव नीच के हो गए तो आप सर पटक के मर जाइए महाराज, फिर आपको शक्ति नहीं मिलेगी। शक्ति तभी मिलेगी जब आप सूर्य को मजबूत करेंगे। आपके नवम अधिपति हो सकता है उच्च के चल रहे हो, तो जो चीजें आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, मात्रा में मिलेगी, कम मिलेगी। आप बनने के योग्य हैं मंत्री, आप केंद्रीय मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन आप चुनाव जीत जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, ये स्थिति बनती है। तो आप जब भी अपने नक्षत्रों को पकड़ रहे हैं तो जरूर ध्यान दें कि नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति क्या है। इसीलिए राशि और लगन अगर एक आ जाती है तब फिर आप अपने नक्षत्र को स्वामी को सदैव मजबूती प्रदान करें, सदैव बल प्रदान करें। उसका आप स्टोन पहने, उससे संबंधित जो जैसे इस नक्षत्र में क्या है, गुलर की सेवा करें, गुलर के पौधे लगाएं। जैसे जैसे गुलर का वृक्ष विकास करेगा ना, वैसे आपके जीवन में विकास आना शुरू हो जाएगा। जैसे वो पुष्पित पल्लवित होगा ना, वैसे आप पुष्पित पल्लवित होना शुरू हो जाए। बहुत बड़ा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी उपाय करने की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे तो आपके पंचम भाव में उत्तरा फाल्गुनी सूर्य नक्षत्र चलेंगे, हस्त चलेंगे, चित्रा चलेंगे। अब आपका पंचमेश अगर यहाँ पे है तो उसी तरह से आपको संतान की प्राप्ति होगी। वो उत्तरा फाल्गुनी में है तो सूर्य जैसा होगा, हस्त में है तो चंद्रमा जैसा होगा, चित्रा में है तो मंगल जैसा, सेनापति जैसा होगा। वहीं पर अगर आप देखें कि आपके जीवन साथी आपको कैसे मिलेगा, तो सातवें भाव में आपको सातवां भाव मतलब वृश्चिक, आपको कौन सा मिलेगा, सातवां भाव वृश्चिक, तो अनुराधा नक्षत्र मिलेगा। आप जो है परंपराओं के वाहक है, आप सूर्य के नक्षत्र में है लेकिन जीवन साथी शनि के नक्षत्र में मिलेगा। फिर वो उसमें मिलेगा आपको ज्येष्ठा नक्षत्र में मिलेगा, तो आपके जीवन संगनी के अंदर बड़प्पन होगा, आपके अंदर अधीरता है, उसके अंदर अधीरता नहीं रहेगी, हर चीज़ को संभाल लेगा। आपको हर चीज़ इमिडिएटली चाहिए, उसको इमिडिएटली नहीं चाहिए। आप अधिकार की बात करेंगे, वो अधिकार की बात नहीं करेंगे, कर्तव्य की बात करेंगे। वहीं विशाखा का भी एक चरण सप्तम भाव में आपके तुला में वृश्चिक में गोचर करेगा। हाँ, विशाखा का चतुर्थ चरण वृश्चिक में आएगा, तो विशाखा में अगर आपका जीवन साथी मिला तो बहुत ज्ञानी मिल जाएगा। अनुराधा में मिला तो फिर क्या होगा, वो भक्ति करने वाला होगा, आत्म केंद्रित हो जाएगा। वहीं ज्येष्ठा में मिला तो फिर वो बड़े का रोल अदा करेगा। हो सकता है वो आप घर में तीसरे नंबर के हों, आपकी जो पत्नी है तीसरी बहू हो, लेकिन जब घर में काम होंगे तो जेठानी जैसा काम करेगी, वो बड़प्पन वाला कार्य करेगी। इस तरह से भी नक्षत्रों को आप देख सकते हैं। अब आपका भाग्योदय कैसे होगा, कर्म पथ पे विस्तार कैसे होगा, तो देखिए भाग्योदय के लिए चूंकि सूर्यदेव तेजस्वी हैं तो 22-24 वर्ष में आपका भाग्योदय करा देते हैं, लेकिन सूर्य अच्छे हुए तो यहाँ पे चूंकि शनि का घर है, किसका घर है, नवम भाव शनि का घर है, अतः शनि भाग्योदय विलंब से कराते हैं। भाग्योदय 32 वर्ष, 36 वर्ष, 42 वर्ष तक कराते हैं। लेकिन सूर्य देव के नक्षत्र होने से अगर सूर्य की रश्मियों को आप कनेक्ट हो सके तो 22 वर्ष में आपका भाग्योदय हो जाएगा, कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। अब आपको 22वें वर्ष भाग्योदय चाहिए तो आप सूर्य को मजबूत करिए। आपको थोड़ा सा और विलंब आपको लगता है कि हमें भाग्योदय चाहिए, तब आप चंद्रमा को मजबूत करिए। चंद्रमा यद्यपि आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, लेकिन पराक्रम से सप्तम माने आपके दसम भाव नवम भाव में जो सेकेंड रोल है, सेकेंड कैटेगरी है, वो चंद्रमा की है, श्रवण नक्षत्र। तो अगर आप उम्र के उस पड़ाव से निकल जा रहे हैं तो चंद्रमा कहता है मैं आपका भाग्योदय कराऊंगा, माता की सेवा करो, बहनों की सेवा करो, श्रवण में आपका भाग्योदय कराऊंगा। श्रवण क्या है, सुनने की शक्ति है, थोड़ा सुनो बेटा, थोड़ा बड़ों की बात सुनो, थोड़ा धर्म की बात सुनो। तो अगर सुनने की क्षमता आपके अंदर आ गई तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। ये नक्षत्रों की खास बातें, आशा करता हूँ आपको ये विवेचन पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है तो दूसरों के जानकारी के लिए भी शेयर करिए। कर्मपथ की बात हमने आपको बताया कि कर्मपथ आप यहाँ पे आप सेनापति हो सकते हैं, नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं। थोड़े से हम आपको एक चीज और बता दें, चरणों के अनुसार फल। तो कृतिका में अगर आप प्रथम चरण में हुए हैं तो यहाँ पे चूंकि मेष मिलेगा और मेष होने से अग्नि तत्व संबंधी चीजों में आपको बहुत सफलता मिलती है, तो अच्छे सेनापति हो सकते हैं, अच्छे नेतृत्वकर्ता होंगे, अग्नि संबंधी कार्य आप करते हुए यहाँ पे पाए जाएंगे। वहीं कृतिका के द्वितीय नवांश में, द्वितीय चरण में आप पैदा हुए हैं
तो अब मैंने आपको पहले में बताया उसमें धनु नवांसा है, धनु नवांसा क्या है, अग्नि तृप्ति नवांसा है, तो चार चार अग्नि इकट्ठे हो गए, मंगल सूर्य देवता अग्नि और नवांस अधिपति अग्नि, तो अग्नि से रिलेटेड ही काम करेंगे। यदि आपका दसवें साथ के यहाँ पे गोचर कर रहा है तो आप एक लाइन में लिख दीजिए पत्री में, ये जातक अग्नि विभाग में कार्य करेगा, अब वो अग्नि विभाग में ही कार्य करेगा। लोग बोलेंगे अरे गुरु जी वाह आपने तो 20 साल पहले लिख दिया था। नहीं, उसका दशमेश बता रहा है, इसमें आपको लिखने बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपको पकड़ना होगा। वही कृतिका में अगर पता लगा दशम भाव का स्वामी, या ऐसे किसी भी कुंडली में दशम भाव में कृतिका चल रहा हो, उसका द्वितीय चरण में दशमेश गोचर कर रहा हो, तब आप वहां पे विवेचन कर सकते हैं, क्योंकि ये शनि के नवांसा में जाएगा, तो शनि संबंधित कार्य। अब कृतिका क्या है, द्वितीय चरण में भवन निर्माण का कार्य करता है, आपको पुलिस विभाग में भेज सकता है, विद्युत विभाग में स्पेशली भेजेगा, जमीन से संबंधित कार्य कराएगा क्योंकि मकर है। वहीं पे तृतीय चरण में जाएंगे तो शनि का नवांसा मिलेगा। शनि क्या है, कुंभ है, कुंभ एक रहस्यात्मक राशि है, कुंभ के अंदर घड़े में क्या है पता नहीं चलता, तो रहस्य रहेगा, तो मतलब आप तांत्रिक हो सकते हैं, मांत्रिक हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, आप पंडित हो सकते हैं, इनकम टैक्स में आप काम करते हुए पाए जा सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो रति रोग कहा गया है, वो रति रोग क्योंकि ये लोग छिपा के कार्य करते हैं, तो इस तरह के कार्य आप करते हुए पाए जाएंगे। वहीं कृतिका के चतुर्थ चरण में है तो आपको गुरु का नवांसा मिलेगा। गुरु का कौन सा नवांसा मिलेगा, मीन नवांसा मिलेगा, तो गुरु मुक्ति की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, आप गुप्त रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं, आप जो साधना होती है तंत्र मंत्र की उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप पंडित जी हो सकते हैं, ब्राह्मण का कार्य कर सकते हैं, ज्योतिषी और वैद्य हो सकते हैं, ये आपके कर्म पथ की बात है। तो कृतिका नक्षत्र पे अगर आपके चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो ये फल मिलेगा, कर्म भाव का स्वामी गोचर कर रहे हैं तो ये फल मिलेगा। वहीं पे अगर आप पंचम भाव का स्वामी गोचर करेगा तो पंचम भाव का में आपकी संतान कैसी होगी, आपके संतान का भविष्य कैसा होगा वो बताएगा। वहीं कृतिका नक्षत्र में यदि आपका सप्तम भाव का अधिपति गोचर कर रहा है तो आपकी जीवन संगनी कैसी होगी। अगर प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं सप्तमेश, कृतिका के प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं तो पत्नी बहुत तेजस्वी होगी, वो निश्चित रूप से सेनापति का काम करेगी या पुलिस विभाग में काम करेगी, फौज में ऑफिसर बन सकती है या राजनीति में जाकर नेतृत्व का कार्य कर सकती है। वहीं अगर दूसरे चरण में पैदा हुई तो फिर क्या हुआ, बैंक में काम करेंगे, टैक्स विभाग से रिलेटेड काम करेंगे, बैंक का या टैक्स का काम करना उनको बहुत अच्छा लगेगा। वहीं तृतीय चरण में हुए तो फिर वो क्या हो गए, इनकम टैक्स में बैंक में काम करेंगे, लेकिन साथ में थोड़ी सी पामिस्ट्री का, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का, थोड़ा सा तंत्र मंत्र या साधना के कार्यों में दिलचस्पी रखेंगे, योग वगैरह वो लोगों को कराएंगे। वहीं चतुर्थ चरण में हुआ तो मुक्ति की बात करेंगे, अच्छे उपदेशक हो सकते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे में अगर उनके दशम भाव पे अच्छा प्रभाव हुआ, मंगल का प्रभाव हुआ, तो फिर वो स्त्री रोग, जच्चा बच्चा में जो डॉक्टर होते हैं इत्यादि कार्य करते हुए पाए जाते हैं। ये आप अपने कुंडली में आपके द्वितीय अगर गोचर कर रहे हैं तो उसी तरह से धन आपको मिलेगा। अगर प्रथम में गोचर कर रहे हैं तो सेना को आप सप्लाई करोगे, पुलिस को आप सप्लाई करोगे, पुलिस से आप पैसा लेंगे। सेकंड में कर रहे हैं तो शनि संबंधित हो जाएगा। तो ये नक्षत्र का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपके व्यक्तित्व, आपके 12 भावों के आयाम को दर्शाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना, आशा करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। आपके लिए मंगलमय शुभकामना, राधे।